जन्माष्टमी का सबसे महत्वपूर्ण और प्रिय प्रसाद धनिया वाली पंजरी, जो कि मंदिरों में मिलती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और हेल्दी भी होती है। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चढ़ा दी थी कढ़ाई, उसमें डाल दिया एक चम्मच घी। अब लगभग एक कटोरी इसमें मैं डाल दूँगी साबुत वाला धनिया। इसको रोस्ट करेंगे, लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे, ज़्यादा बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं करना है। मुश्किल से एक मिनट हम इसको रोस्ट करेंगे अच्छे से, और देखिए धनिया का कलर इतना ही चेंज करना है जितना मैंने किया था, और यहाँ पे खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है। गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया ताकि ये जल ना जाए, और सारा का सारा धनिया निकाल लिया था। धनिया को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। इधर ये मैंने बादाम के एक बादाम के हाफ हाफ पीस कर लिए थे, और थोड़े से ले लेते काजू। अब इनको हम रोस्ट करेंगे। वापस से ले ली थी कढ़ाई, उसमें डाल दिया था एक चम्मच घी। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो जो ये हमारे बादाम थे इनको हम इसमें डाल देंगे, और इनको हम रोस्ट करना शुरू करेंगे, यानी कि भुनाई करना इनकी शुरू करेंगे। और जो फ्लेम है थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, और थोड़ा सा बस इसको हम भून लेंगे। इसके बाद हम डाल देते हैं काजू, इनको भी भून लेंगे। काजू भी मैंने बराबर ही लिए थे जितने बादाम हैं, उतने इनको भून लेंगे साथ में। फिर डाल दिया था इसमें गोला बारीक बारीक कटा हुआ, देखिए जैसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर रखी है वैसे ही गोले के साथ भी इनको हम भून लेंगे। इनका भी ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बस इन सब चीज़ों का अच्छा सा जो कच्चापन है वो निकल जाए, उतना ही हम इन सब चीज़ों को भून लेंगे। जब तीनों चीज़ अच्छे से भून जाए, यानी कि इतना ही इनका कलर चल जाए जितना मैंने किया है, इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे एक चम्मच घी बढ़ा सकते हैं, नहीं तो जो घी बचा है उसी में हम मखाने डाल देंगे, और इनको भी रोस्ट करना शुरू करेंगे। और इनको तब तक रोस्ट करेंगे तब तक जो आवाज़ आ जाती है ना मखानों से, उतना हम इनको रोस्ट करेंगे, थोड़े से मतलब क्रिस्पी से हो जाए बस उतने कर लेंगे हम, और इनको भी हम निकाल लेंगे प्लेट में। चलिए निकाल लेते हैं, मखाना भी रोस्ट हो गया है। सारी चीज़ें अलग अलग ही रोस्ट करेंगे, क्योंकि हम इनको अलग अलग रोस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो कुछ चीज़ें हैं वो थोड़ा जल्दी रोस्ट हो जाती हैं और कुछ चीज़ें थोड़ा टाइम लेती है, इसलिए सभी चीज़ों को हम अलग अलग करेंगे। फिर से डालेंगे एक चम्मच घी, और जो नारियल लिया मतलब जो गोला लिया था उसको मैंने थोड़ा सा तो पहले कटिंग करके डाल दिया था, और जो बाकी गोला जो बच गया था एक गोले में से उसको मैंने बारीक बारीक काट के ऐसे ग्राइंड कर लिया, और थोड़ा देखे जैसे ये दरदरा सा दिख रहा है ना वैसा दरदरा सा मैंने इसको गोले को अच्छे से पीस लिया था। जब ये थोड़ा सा मतलब रोस्ट हो जाए गोला भी, तो उसके बाद हम डाल देंगे एक छोटी कटोरी भर के ये मेलन सीड्स थे वो डाल दिए, उनको भी भून लेंगे। और ये एक चम्मच थी खसखस, उनको भी हम इसके साथ भून लेंगे, और इसमें ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इतने में ही इन सब चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। मतलब जो भी चीज़ हम डाल रहे हैं उनका थोड़ा थोड़ा सा हम कच्चापन दूर करेंगे, और इनका थोड़ा थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे ताकि जो ये भूनने के बाद खुशबू आए, बस उतना ही भून लेंगे। देखो थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, इतना हमने इसको भून लिया था। अभी गैस ऑन था तो हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, और यहाँ पे थोड़े से 10-12 मैंने किशमिश ऐड करे हैं, और जो ये गरम है ना मटेरियल गरम हो रखा है, तो इसी के साथ ये किशमिश भी भून से जाएंगे, मतलब थोड़े से नॉर्मल गरम से हो जाएंगे, थोड़ा फूल से जाएंगे, उतना हम इसको फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। छोड़ देते हैं सारी चीज़ को ठंडा होने के लिए, जब ये थोड़े से गुनगुने से हो जाए तब इनमें हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब देख लेते हैं, सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ठंडी हो गई हैं, इसी कढ़ाई में मैंने छोड़ रखा था। अब ले लेते हैं हम जो हमने ये मतलब बादाम और काजू और गोला अलग निकाल के रखा हुआ था, इन सब चीज़ों का भी इसमें मिक्स करेंगे। मखाना भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया। अब सारे जितने भी ड्राई फ्रूट इसमें पंजरी में ऐड करने थे वो सारे ऐड हो चुके हैं, और इन सब चीज़ों को कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। अब क्या कर लेते हैं कि थोड़ा सा पार्ट इनका हम निकाल लेंगे, ये हम बाद में यूज़ करेंगे, थोड़ा जो मोटे वाला पार्ट है ना वो ज़्यादा निकाल ले, जैसे ये मखाना हो गया और बादाम वगैरह, ये जो ऊपर से डलेंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अब ले लेते हैं मिक्सी ग्राइंडर जार, इसमें जितना भी सारा जो मटेरियल बचा था वो हम इसमें सारा ऐड करेंगे, और इसको बारीक सा पीस लेंगे। बारीक सा पीस कर देखे ऐसा, थोड़ा थोड़ा सा गुनगुना सा था ना मटेरियल, तो इसलिए थोड़ा धुआं सा भी निकल रहा है, और देखो सारा मटेरियल पीस कर ऐसा हो गया है, बढ़िया दरदरा सा हो रखा है। और देखिए बस अब हम इसको डाल देते हैं कढ़ाई में, मतलब जिसमें भी बर्तन में आप इन सब चीज़ों को मिलाएंगे उसी में ट्रांसफ़र कर लेंगे, मैं इसी में मिक्स करूँगी, तो मैंने इसमें डाल दिया था। अब जो धनिया था वो भी हल्का सा ठंडा हो चुका है, मतलब छूने लायक हो चुका है, ये इस धनिया को भी हम ग्राइंड करेंगे। अब सारा धनिया जितना भी था
हम ग्राइंडर में डाल देंगे और इसको हम देखिए ऐसा थोड़ा दरदरा सा, ज़्यादा बारीक भी नहीं, बिल्कुल ऐसा ही जैसा हमने मिक्सर तैयार करा है ना, ऐसा ही हम इसमें इसको भी मिक्स कर देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से करेंगे अब हम मिक्स। जितना भी धनिया था सारा मिला के लिया। अब इसमें हम यहाँ पे या तो हम डाल सकते हैं बूरा या फिर जो धागे वाली मिश्री होती है ना उसका पाउडर बना के भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने धागे वाली मिश्री को बारीक बिल्कुल पीस लिया था और उसमें इसको हमने ऐड कर दिया। बस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देखिए कितनी अच्छी पंजरी बन के हो गई है तैयार। अब जिसमें हम सर्व करेंगे उसमें हम रख लेंगे और जो ये हमने मटेरियल निकाल के रखा था बादाम मखाना काजू वगैरह जो भी थे सब हम इनके ऊपर अब डाल देंगे। और देखिए तैयार हो गई है हमारी धनिया वाली पंजरी बनकर। और लीजिए घर पर ही धनिया वाली पंजरी बनकर हो गई है तैयार, जैसी मंदिरों में बनती है। और इस जन्माष्टमी आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।